नरेंद्र मोदी दीनदयाल उपाध्याय संकुल में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। आप सब हर हर महादेव, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं ने जी जान से इस चुनाव अभियान को चलाया, वैसे भाई श्री अमित भाई शाह यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी, प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्रनाथ जी और काशी के सभी श्रेष्ठ बंधुजन, बंधु भगिनी लोगन के प्रणाम बा। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी और कार्यकर्ता, अब बैठिए, अब बैठिए, पार्टी और कार्यकर्ता जो आदेश करते हैं उसका पालन करने का मैं भरसक प्रयास करता हूं। एक मास पूर्व जब 25 तारीख को मैं यहां था, जिस आन बान शान के साथ एक विश्व रूप दिखाया था, और वो सिर्फ काशी को प्रभावित करने वाला नहीं था, सिर्फ उत्तर प्रदेश को प्रभावित करने वाला नहीं था, उसने पूरे हिंदुस्तान को प्रभावित किया था। हिंदुस्तान का कोई कौन ऐसा नहीं होगा जो काशी के गलियों में, काशी के मार्ग पर काशी का मिजाज जिस प्रकार से प्रकट हो रहा था, उसे जब देश के हर कोने में मतदाता देख रहा था। कोई कार्यकर्ता ऐसे जो कागज लेके आए उनसे कलेक्ट कर लीजिए भाई, किसी को काम दे दीजिए, कलेक्ट कर लीजिए, बाद में मुझे पहुंचा दीजिए, कुछ लोगों के हाथ में कुछ कागज है मुझे पहुंचा दीजिए। बाद में, बाद में, बाद में मैं ले लूंगा।
आपको संतोष हो गया? कार्यकर्ता का संतोष, यही हमारा जीवन मंत्र है। और जब 25 शाम को और 26 में यहां के प्रबुद्ध जनों से, कार्यकर्ताओं से मुझे बातचीत करने का अवसर मिला था और आप सबने मुझे आदेश दिया था कि एक महीने तक आप काशी में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, देश ने भले मुझे प्रधानमंत्री बनाया हो लेकिन आपके लिए मैं कार्यकर्ता हूं और मेरे लिए आपका आदेश सर आंखों पर रहा। 18-19 जब पोलिंग प्रचार अभियान समाप्त हो चुका था, 18-19 का समय था, 19 को मतदान होना था, मेरे मन में भी था कि चलो भले कोई काम नहीं है लेकिन चले जाएं काशी, लेकिन फिर याद आता था यार आपने तो आदेश दिया है एंट्री नहीं देंगे तो क्या होगा। तो फिर मैंने सोचा चलो ये बाबा नहीं तो कोई और बाबा, शायद ही कोई उम्मीदवार चुनाव में और चुनाव के नतीजों के समय इतना निश्चिंत होता है जितना कि मैं था। और इन निश्चिंतता का कारण मोदी नहीं था, निश्चिंतता का कारण आप सबका परिश्रम था, काशीवासियों का विश्वास था। जब नतीजा आए तब भी निश्चित था, मतदान हो रहा था तब भी निश्चिंत था। और इसलिए बड़े मौज के साथ केदारनाथ में बाबा के चरणों में जाके बैठ चुका था। काशी ने जो, यानी काशी तो अविनाशी है और जो स्नेह मुझे दिया है, जो शक्ति मुझे दी है, ये अपने आप में शायद ही ऐसा सौभाग्य मिलना बहुत मुश्किल होता है। आप में से कई लोग हैं, कितने कार्यक्रम किए, मुझे जानकारी मिलती थी कि क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, कितने प्रकार से यहां एक प्रकार से चुनाव को लोकोत्सव बढ़ा दिया गया है, देश के लिए भी और पूरे चुनाव अभियान में बहुत एक मात्रा में मैं कह सकता हूं कि तू मैमे का तत्व बहुत कम था, अपनत्व का माहौल ज्यादा था। इस चुनाव में अलग अलग दलों के जो साथी मैदान में थे, इस चुनाव में जो निर्दलीय साथी मैदान में थे, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भी अपने तरीके से काशी की गरिमा के अनुकूल इस चुनाव को, अभियान को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, वे भी अभिनंदन के अधिकारी हैं। और इसलिए मैं
सार्वजनिक रूप से जो अन्य उम्मीदवार थे उनका भी हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा। चुनाव में प्रशासन को बहुत कठिनाइयां रहती हैं, बहुत परिश्रम रहता है, देशभर का मीडिया वर्ल्ड भी यहां आता था तो स्थानीय मीडिया के लोगों से ही भरोसे वो चलते थे। एक प्रकार के उनको भी काशी का रिपोर्टिंग करना और देशभर से आए हुए मीडिया को संभालना ये अपने आप कर रहे थे। मैं इस मीडिया जगत के सभी साथियों का भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। इस चुनाव में जब कार्यकर्ताओं के साथ मेरा मिलना हुआ था तो उस दिन मैंने कहा था यहां पर शायद नामांकन तो एक नरेंद्र मोदी का हुआ होगा लेकिन ये चुनाव नरेंद्र मोदी लड़ेगा, हर गली का नरेंद्र मोदी। और आपने एक प्रकार से अपने भीतर की शक्तियां एक प्रकार से नरेंद्र मोदी के रूप में ही आपने इसको अपने अंदर समाहित कर दिया और आप सब नरेंद्र मोदी बन गए। और इस पूरे चुनाव अभियान को आपने चलाया। आमतौर पर जब इस प्रकार का चुनाव होता है तो थोड़ा मन में क्या है भाई, जीतने ही वाले हैं, लेकिन मैं काशी के संगठन से जुड़े हुए लोगों का, काशी के हर छोटे मोटे कार्यकर्ता का और काशी के हर समर्थक का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस चुनाव को जय और पराजय के तराजू से नहीं तोला। मैं समझता हूं हिंदुस्तान के लोकतंत्र की यह बहुत बड़ी घटना है। जय और पराजय के तराजू से नहीं तोला, उन्होंने चुनाव को एक लोक शिक्षा का पर्व माना, लोक संपर्क का पर्व माना, लोक संग्रह का पर्व माना, लोक समर्पण का पर्व माना और कोई कमी न रह जाए, किसी मतदाता को यह न लगे कि कोई मेरे पास तो आया नहीं था, किसी ने तो मुझे कहा नहीं था। मोदी हमें पसंद है लेकिन भाई क्या बात है, इतना बड़ा अवसर है आपने मुझे याद भी नहीं किया। हर घर गए, हर मतदाता को मिले, 40-45 डिग्री टेम्परेचर में गए और गर्मा गर्मी नहीं थी। चुनाव के माहौल को गर्म करना भी एक अपने आप में कसौटी होती है ताकि मतदाताओं का उत्साह बढ़े। इन सभी कसौटियों से आप पार उतरे हैं और डिस्टिंक्शन मार्क के साथ पार उतरे हैं, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। सारे देश में और सोशल मीडिया में यहां की बेटियों ने जो स्कूटी निकाली इसकी बड़ी चर्चा है और उसने एक मैसेजिंग किया कि स्कूटी पर बैठ करके हमारी बेटियों ने पूरे काशी को अपने सर पर ले लिया था। भांति भांति के कार्यक्रम समाज कर रहा था और
कभी कभी तो हम जाकर के सिर्फ देखते थे वाह कैसा चल रहा है, लेकिन कर रहे थे जनता जनार्दन, जनता जनार्दन का उत्साह था। कोई कारण नहीं था कि आज तो मुझे ऐसे ही उतर करके बाबा के चरणों में जाना था और फिर आप सबके माध्यम से काशी का और उत्तर प्रदेश का अभिनंदन करना था, लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से पूरे रास्ते भर लोग अपने आशीर्वाद दे रहे थे, यह भी अपने आप में एक अनोखा अनुभव था। और इसलिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज मैं भले काशी से बोल रहा हूं, लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश अनेक अनेक अभिनंदन का अधिकारी है। आज उत्तर प्रदेश देश की राजनीति को दिशा दे रहा है। आज उत्तर प्रदेश स्वस्थ लोकतंत्र को और मजबूत कर रहा है। उत्तर प्रदेश ने 77 में लोकतंत्र के लिए सारी दीवारें तोड़ करके लोकतंत्र के प्रति अपनी निष्ठा बता करके देश को एक दिशा दी थी, ताकत दी थी। लेकिन 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, ये हैट्रिक छोटी नहीं है जी, ये तत्कालीन किए गए निर्णय नहीं है। उत्तर प्रदेश के गांव गरीब परिवार का व्यक्ति भी भारत के उज्जवल भविष्य की दिशा क्या हो सकती है इसके विषय में सोचता भी है और उसी की दिशा में चलता भी है और देश को चलने के लिए प्रेरित भी करता है। उत्तर प्रदेश के ये 14, 17 और 19 इन तीन चुनावों के योगदान को भारत की राजनीति, भारत की समाज नीति, भारत की मतदाता दिया व्यवस्थाएं किस प्रकार से बदल ला रही है, इसका एक अद्भुत विराट रूप के दर्शन कराए हैं। और तीन तीन चुनाव के बाद भी अगर पॉलिटिकल पंडित की आंखें खुलती नहीं है, तीन तीन चुनाव के बावजूद भी पॉलिटिकल पंडितों के कान पर आवाज नहीं पहुंचती है, तो इसका मतलब है कि उनके विचार, उनकी सोच, उनके तर्क काल बाह्य हो चुके हैं। वो 20वीं सदी के लिए हैं, 21वीं सदी के लिए नहीं है। पचास पचास पेज का जिनका बायोडाटा बनता होगा, प्रोफाइल बनता होगा, इतनी डिग्रियां होगी, इतने पेपर लिखे होंगे, न जाने क्या क्या कुछ हुआ होगा, लेकिन उनकी तुलना में जमीन से जुड़ा हुआ एक गरीब आदमी, उसकी समझ सकती कहीं गाना ऊंची होती है, बहुत दीर्घदृष्टि है। और हम उसी के प्रति श्रद्धा रखते हुए, उसी के प्रति समर्पण भाव रखते हुए और उसी के सहारे, उसी की शक्ति के भरोसे राष्ट्र की राजनीति में एक नई व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव परिणाम बहुत एक गणित होता है, जिसको 200 वोट मिले हैं और दूसरे को 201 मिला है तो विजेता तो 201 वाला होने वाला है, 200 वाला नहीं होने वाला। परिणाम का आधार तो गणित समझ सकता हूं मैं, 20वीं सदी के चुनावों के हिसाब किताब भी गणित और अंकगणित के दायरे में चले होंगे, लेकिन
चाहे वो 2014 हो, 2017 हो या 2019 हो, देश के राजनीतिक विश्लेषकों को मानना होगा कि एरिथमेटिक के आगे भी केमिस्ट्री होती है। गुणा भाग का हिसाब किताब के परे भी एक केमिस्ट्री होती है जी। देश में समाज शक्ति की जो केमिस्ट्री है, आदर्शों और संकल्पों की जो केमिस्ट्री है, वे कभी कभी सारे गुणा भाग, सारे अंक गणित को निरस्त कर देती है, पराजित कर देती है। और इस बार अंक गणित को केमिस्ट्री ने पराजित किया है। और इस अर्थ में ये चुनाव अपने आप में देश और दुनिया को, पॉलिटिकल पंडितों को, कुछ लोगों की घिसी पीटी कैसेट है और वही दायरे में फिट कर करके एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करते रहते हैं। और ये माना गया है कि पॉलिटिक्स इज अबाउट द परसेप्शन, ये माना गया है। लेकिन और हम वो लोग हैं जो हम जैसे हैं वैसे दुनिया हमें देख न ले, इसलिए 90% से अधिक ताकतें जो पिछले 50-60-70 साल में एस्टैब्लिश हो चुकी है, वे दो काम करती रहती हैं। किसी भी हालत में हमारे विषय में सही परसेप्शन न बने, किसी भी हालत में न बने, इसके लिए जो भी झूठ का सहारा लेना पड़े लेना पड़े। और दूसरा, एक है जैसे परसेप्शन सही न पहुंचे, तो दूसरा है हो सके उतने तर्क कुतर्क करके परसेप्शन को बर्बाद किया जाए, बिगाड़ा जाए, एक ऐसा भयानक परसेप्शन बना दिया जाए कि लोग पास खड़े रहने से डर जाएं। ये 70 साल तक चला है। पंडितों की ये थियरी होगी कि पॉलिटिक्स अबाउट द परसेप्शन, लेकिन उन पंडितों को दोबारा सोचना पड़ेगा कि दो चीजें ऐसी होती हैं जो परसेप्शन को तबाह करने की लाख कोशिश करने वालों को भी, गंदा और बुरा परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करने वालों के लिए भी, उसको परास्त करके आगे बढ़ने की ताकत होती है। और वो है, वो दो चीजें, एक है पारदर्शिता और दूसरा है परिश्रम। पारदर्शिता प्लस परिश्रम, लोग कितनी ही अपनी ताकत लगा ले परसेप्शन बनाने की, उसको परास्त करने का सामर्थ्य रखती हैं। और आज हिंदुस्तान ने उसको स्वीकार किया है, उसने करके दिखाया है। और इसलिए हमारे लिए भी पारदर्शिता और परिश्रम का कोई अल्टरनेट नहीं है, क्योंकि हमें एस्टैब्लिश इस प्रकार की नेगेटिविटी के बीच पॉजिटिविटी को लेकर के जाना है और निरंतर जाना है, अविरत जाना है, क्योंकि देश उसी से आगे बढ़ने वाला है और उसको हमने किया है। साथियों, हम लोगों को लगता है सफलता है, सरकार और संगठन इन दोनों के बीच में तालमेल, परफेक्ट सिनर्जी, ये बहुत बड़ी ताकत रखती है। आप देखते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने
सफलतापूर्वक इसको साकार किया है। राज्यों में इतनी सरकारें हो, केंद्र में सरकार हो, लेकिन पार्टी और संगठन, सरकार और संगठन दोनों के बीच में सिनर्जी। सरकार नीति बनाती है, नीति पर चलती है, संगठन रणनीति बनाता है। नीति और रणनीति, इसकी सिनर्जी सरकार और संगठन के काम की सिनर्जी का एक प्रतिबिंब होती है, और जिस प्रतिबिंब का आज हम सफल, उसका लाभ देश को मिल रहा है। उसी प्रकार से हम ये जानते हैं कि सरकार का काम है कार्य करना, और इसलिए एक तरफ सरकार का कार्य हो और उसमें जब कार्यकर्ता जुड़ जाता है, कार्य प्लस कार्यकर्ता, वो एक ऐसी ताकत है जो करिश्मा करती है। ये जो करिश्मा दिख रहा है वो कार्य का भी है और कार्य के साथ कार्यकर्ता का भी है। दोनों में से एक होने से होना नहीं है करिश्मा, और इसलिए वर्क एंड वर्कर क्रिएट्स द वंडर। और इसलिए वर्क और वर्कर, ये वंडर की बहुत बड़ी, सबसे उद्दीपक कैटलिक एजेंट है जो आज हम कर रहे हैं। सरकार ने काम किया, शौचालय बनाए, घर बनाए, गैस पहुंचाया, बिजली पहुंचाई, लेकिन ये कार्यकर्ता है जिसने विश्वास पैदा किया कि अभी तो ये शुरुआत है। जिसे नहीं मिला है उसे मिलने वाला है, और जिसे मिला है वो उपकार नहीं, उसके हक का मिला है। ये जो वर्क एंड वर्कर वाला जो सिनर्जी है, जो वंडर करता है, वो आज हर बात में हम देख पाते हैं। और इसलिए मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से दो संकटों से हम गुजरे हैं, और लगातार हमें झेलना पड़ता है। जैसे दो शक्ति हैं, नीति और रीति, जैसे दो शक्ति हैं, नीति और रणनीति, जैसे दो शक्ति हैं, पारदर्शिता और परिश्रम, जैसे दो शक्ति हैं, वर्क एंड वर्कर, वैसे ही दो संकट भी हमने झेले हैं। और वो दो संकट हैं, चाहे केरल लीजिए या कश्मीर ले लीजिए, चाहे बंगाल ले लीजिए या त्रिपुरा ले लीजिए। ये चीजें अखबारों में नहीं छपती हैं, मीडिया में नहीं दिखती हैं। कुछ लोगों की सिलेक्टिव संवेदनशीलता, सिलेक्टिव मानवतावाद इन सत्य को नकारता है, लेकिन हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शहादत मोल ली है, उनकी हत्याएं हुई हैं। उनको सिर्फ राजनीतिक विचारधारा के कारण मौत के घाट उतार दिया गया है। जब त्रिपुरा में चुनाव चल रहा था, फांसी पे लटका दिए जाते थे हमारे कार्यकर्ताओं को। बंगाल में आज भी
हत्याओं का दौर बंद रुक नहीं रहा है। कश्मीर में हमारे लोगों ने जान की बाजी लगाई, केरल में हमें मौत के घाट उतार दिया जाता है। शायद हिंदुस्तान में कोई एक राजनीतिक दल इतनी व्यापक प्रकार से हिंसा का शिकार हुआ है और उसके मूल में एक जो नैरेटिव, हेट्रेट का नैरेटिव लगातार बनाया गया है, उसी का परिणाम है कि हिंसा को एक प्रकार से मान्यता दी गई है। यह हमारे सामने बहुत बड़ा संकट है। दूसरा हमारे सामने संकट है, बाबा साहब आंबेडकर, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने सार्वजनिक जीवन में छुआछूत को, समाज जीवन में छुआछूत को, सामाजिक व्यवस्था में छुआछूत को खत्म करने के लिए अपनी जिंदगी खपा दी। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में राजनीतिक छुआछूत दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की लगातार हिंसा होना, मार देना, उनकी हत्याएं होना, और दूसरी तरफ भाजपा का नाम लेते ही अनटचेबिलिटी, छुओ मत, अड़ो मत, तो बड़े खतरनाक है। हम इतने सालों से सत्ता पे आए हैं, हम विभाजनकारी मनोवृत्ति के नहीं है। जो लोग अपने आप को एकता का ठेकेदार बनाते हैं, उन्होंने सिर्फ आंध्र का विभाजन किया, आज भी वहां पर शांति का माहौल नहीं बन पाया है, तेलंगाना और आंध्र। और हम वो लोग हैं जो एकता के मंत्र को लेकर के चलते हैं। हम उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड बना दे, दिलों में आग नहीं लगने देते। हम बिहार में से झारखंड बना दे, दिलों को चोट नहीं पहुंचाते हैं। हम मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ बना दे, प्यार में कोई कमी नहीं आने देते, क्योंकि सबका साथ सबका विकास ये मंत्र हमारी रगों में है, हमारी जहन में है। लेकिन उसके बावजूद भी एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया गया है, एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया गया है कि जिसमें हमें आज भी अछूत। मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था और गुजरात के टूरिज्म प्रमोशन के लिए मैंने सीने जगत के लोगों की मदद मांगी, उन्होंने मदद की, लेकिन सारी दुनिया उन पर टूट पड़ी। आप और गुजरात, गुजरात यानी ऐसा छुआछूत का परसेप्शन बनाते चले हैं। इस चुनौती भी है भारत के लोकतंत्र में इस प्रकार के वृत्ति वाले लोग हैं, उनसे भी मैं आज काशी की पवित्र धरती से पुनर्विचार करने के लिए आज प्रार्थना करना चाहता हूं। बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। आओ दोस्तों, आओ नए सिरे से सोचना शुरू करो। कमियां हम पे भी होगी, लेकिन हमारे इरादे नेक हैं। और दोस्तों, लोकतंत्र कोई कुछ भी कह दे, आज हिंदुस्तान के राजनीतिक तख्त पर, राजनीतिक कैनवास पर ईमानदारी से रग रग में लोकतंत्र को लेकर के जीने वाला कोई दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। हम शासन में आते हैं तब भी हम सबसे ज्यादा लोकतंत्र की परवाह करने वाले लोग होते हैं। कभी कभी तो और लोग जब सत्ता में आते हैं तो विपक्ष का नामो निशान नहीं होता है। हमें जब सत्ता मिलती है तो
विपक्ष का अस्तित्व शुरू होता है, क्योंकि लोकतंत्र ही हमारा स्पिरिट है। आप त्रिपुरा देख लीजिए। मैं देश के ये पॉलिटिकल पंडितों से कहना चाहूंगा और चुनौती देकर के कहना चाहता हूं, कोई मुझे बताए त्रिपुरा के अंदर 30 साल तक कम्युनिस्टों की सरकार रही, क्या वहां कोई विपक्ष था? क्या वहां विपक्ष की कोई आवाज थी? क्या वहां विपक्ष को कभी सुना गया था? क्या दिल्ली के मीडिया में विपक्ष की कभी चर्चा हुई थी? कुचल भी जा चुका था। आज त्रिपुरा में हम सत्ता में आए, अभी तो 2 साल मुश्किल से होने जा रहे हैं, आज वहां जानदार शानदार विपक्ष मौजूद है और उसकी आवाज सुनी जाती है। ये लोकतंत्र स्पिरिट है, उसकी आवाज को तवज्जो दी जाती है। और देश चलाने के लिए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और जिम्मेवारी भी होती है, वो कोई उपकार नहीं है। और मैं मानता हूं जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति बार बार कहते थे, पार्लियामेंट का उपयोग चर्चा के लिए होना चाहिए। चर्चा में आप भरपूर विरोध कीजिए ना, लेकिन जब चर्चा के लिए मुद्दे नहीं होते हैं, तर्क नहीं होते हैं, एक्सपोज होने का डर लगता है, तो हो हल्ला करके के संसद को न चलने देना ये सरल मार्ग बन जाता है। हम विपक्ष की ताकत को स्वीकार कर करके विपक्ष की ताकत को तवज्जो देने वाले, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं, और जहां जहां हमें मौका मिला है वहां पर विपक्ष की आवाज, संख्या भले कम होती हो, जनता का अविश्वास के कारण उनकी संख्या कम हो जाती है, वो उनकी जिम्मेवारी है जनता का विश्वास जीते, लेकिन संविधान हमें जिम्मेवारी देता है कि एक भी क्यों न हो उसकी आवाज का महत्व होगा। ये हमारी जहन में है। दोस्तों, एक और बात है, हमारे देश के लोकतंत्र को वोट बैंक की राजनीति ने कुचल दिया है, और इसलिए जो भी निर्णय होते हैं, चर्चा होती है, सबके बीच में आकर के हिम्मत के साथ अपनी बात रखनी है, तो ये वोट बैंक की राजनीति के दबाव में हमारे देश में कोई हिम्मत नहीं कर पाता है। क्या इस देश के सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को अपने हक के लिए इतना इंतजार करना पड़ा? कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था? ऐसा तो नहीं था कि आवाज आ नहीं रही थी? ऐसा तो नहीं था कि लोग रोष व्यक्त नहीं करते थे? ऐसा भी नहीं था कि आंदोलन नहीं होते थे? होता सब कुछ था, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के प्रभाव में ये करेंगे तो शायद कुछ खिसक जाएगा। तो ये हमारी निष्पक्ष सोच थी, निष्पक्ष सोच थी। वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ करके सबका साथ, सबका विकास, सबको अवसर, और उसका कारण है कि हम सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण का फैसला कर, अगर हम वोट बैंक की राजनीति पे चलते तो शायद हम भी उसी में ढल जाते। हम नहीं ढले, देश के उज्जवल भविष्य के लिए जो आवश्यक है हम करेंगे। आज भी मेरी तो सूचना रहती, गांव में घर मिलेगा एक तरफ से लिस्ट के अंदर से शुरू करो, 51 लोग हैं, इस बार 25 घर देने वाले हैं, पहले 25 को दे दो, फिर 26 के दूसरा बजट आए 26 से शुरू करो। कौन जाति का है, कौन बिरादरी का है, प्रधान से लेना देना कुछ लेना देना नहीं है, वो मेरे देश का नागरिक है, उसको मिलना चाहिए। मैं जानता हूं इन चीजों से मिलने वाले को कभी लगता नहीं है, वो सही मानता है ये तो नियम में मेरा नाम आया है, उसमें भाजपा वालों ने क्या किया, मोदी ने क्या किया, ये नेगेटिविटी हो सकती है, नुकसान हो सकता है, लेकिन इस नुकसान को झेल करके भी हमें देश में व्यवस्थाओं को सुचारू रूप विकसित करने की हिम्मत हमने दिखाई। साथियों,
हम वो लोग हैं जो भारत की महान विरासत को लेकर के गौरव के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो काल बाह्य है उसको छोड़ने वाले हम लोग हैं, लेकिन जो सदियों से खरा उतरा है, ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने, भगवंतों ने, मजदूर ने, किसान ने, कामगार ने, शिक्षक ने, वैज्ञानिक ने, हजारों साल से देश की परंपरा को विकसित किया है। औरों को शर्म आती हो आने दो, मुझे इसका गर्व होता है। जिनको शर्म आती है वो उनका प्रॉब्लम है, हमें लगता है कि हमारे महापुरुषों ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है और जिसकी विरासत भारत के पास है, और इसलिए हम दो बातों को लेकर के चलने का प्रयास करते हैं, एक इस महान विरासत को और दूसरा आधुनिक विजन को। हमें कल्चर को भी बरकरार रखना है और हमें करंट सिचुएशन को भी एड्रेस करना है। योग हो, आयुर्वेद हो, रामायण सर्किट हो, बुद्धिस्ट सर्किट हो, भारत की महान विरासत है। अयोध्या में दिवाली मनाना इतने साल तक किसने रोका था भाई? कुंभ के मेले का उपयोग देश की मर्यादाओं को चूर चूर करने के लिए हुआ है इतने सालों तक। एक ही प्रकार का परसेप्शन क्रिएट किया गया, कुंभ का मेला मतलब नागा साधुओं की जमात। उस परसेप्शन को बदला जा सकता है और योगी जी के नेतृत्व में देश ने बदला है, और उसका गौरव सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत का हुआ। छब्बीस जनवरी को जब विजय चौक के अंदर परेड होती है और हमारे विजय पथ पर टैबलोज जाते हैं, पहली बार एशिया के अंदर भगवान राम को किस किस रूप में देखा जाता है उसका प्रगतिकरण 26 जनवरी को राज पर देश ने देखा। लेकिन इसके साथ हम वो लोग हैं जो अटल टिंकरिंग लैब भी बनाते हैं, ताकि मेरी जो नई पीढ़ी है, आठवीं दसवीं कक्षा का बच्चा है जो अटल टिंकरिंग लैब से इनोवेशन पे सोचे, नए अनुसंधान पे सोचे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचे और भारत को 21वीं सदी में वैज्ञानिक अधिष्ठान पर ले जाए, इसके लिए भी हम उतनी ही ताकत लगाते हैं। और इसलिए हम कल्चर का जितना महात्म्य देते हैं, हम 21वीं सदी के विजन को भी उतना ही प्रगटता के पूर्वक आगे बढ़ाने के पक्ष में हैं। हमारे देश में पूजा पाठ में 125 रुपये का महत्व है, सब है, लेकिन फिर भी भीम ऐप बना करके मोबाइल फोन से डिजिटली डोनेट करने की परंपरा हम विकसित कर रहे हैं। चीजें जरूरी नहीं है कि पुराना सब तोड़फोड़ करके ही नया बनाया जा सकता है, लेकिन हमने उन चीजों को आगे लिया है। हम 11 नंबर की अर्थव्यवस्था से शुरू की थी यात्रा, अच्छे नंबर पे पहुंच गए दुनिया में। 5 नंबर पे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, 3 पर पहुंचने के पहले 3 में पहुंचने के इरादे से काम कर रहे हैं। आज मेरा देश का नौजवान स्टार्टअप को लेकर के विश्व में ताकत के रूप में उभर सकता है, तो स्टार्टअप को बल देकर के देश के नौजवान की ताकत से विश्व को अचंभित करने की दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसलिए हम उन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जो लोग परसेप्शन बनाते हैं उन्होंने हमेशा ये बनाया, और जिस उनके लिए वो शायद एक एकेडमिक डिस्कशन होगा, लेकिन इस प्रकार की सोच से देश में दरारें पड़ती हैं। उनको पता भी नहीं होता है कि उनकी ये सोच किस प्रकार से देश में दरार पैदा कर देती है।
आज हिंदुस्तान का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि चुनते हो या न चुनते हो, लेकिन लगातार हमारा वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। केरल हो, तमिलनाडु हो, कश्मीर घाटी हो, आज लद्दाख से भी बीजेपी चुन करके आती है, तो हम फिर भी ये पंडित लोग बैठेंगे हिंदी हार्टलैंड की पार्टी। कर्नाटक में सबसे बड़ा दल, फिर भी हम हिंदी हार्टलैंड। गोवा में सालों से हम सरकार चला रहे हैं, फिर भी हिंदी हार्टलैंड। पूरे नॉर्थ ईस्ट में वहां हिंदी भाषा समझना मुश्किल है, फिर भी वहां हम सरकार चलाते हैं। आसाम में सरकार चलाते हैं, हम लद्दाख के अंदर चुन करके आते हैं। एक ऐसा भ्रम पैदा किया गया है, हम एक सर्वसमावेशक, सर्वस्पर्शी और सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के हम लोग हैं। भाइयों बहनों, चुनाव जीतना एक काम है और लोकतंत्र का ये उत्सव आन बान शान के साथ हमने मनाया है, लेकिन अब 2022 भारत की आजादी के 75 साल, अधिकार की चर्चाएं हमने बहुत कर ली हैं, ये 5 साल कर्तव्य के बल पर हम चल सकते हैं क्या? और इस देश का नागरिक अगर अपने कर्तव्यों का पालन करे तो फिर किसी के अधिकारों का हनन होने वाला नहीं है। ये देश मेरा है, आज भी हमारे देश में एक मानसिकता बन गई। आजादी का आंदोलन चला तो हम देश के लिए मर मिटते थे, लेकिन आजाद होने के बाद स्कूल है तो हम आराम से कहते तो सरकारी स्कूल है, अस्पताल भाई तो सरकारी अस्पताल है। अरे भाई वो सरकारी नहीं है, वो तेरा है, तुम उसके मालिक हो। हमने ये भाव पैदा करना है, जो भी सरकारी है वो भारत के हर नागरिक की मालिकी का है, और उसको बढ़ाना, उसकी ताकत देना, उसकी रक्षा करना एक नागरिक के नाते हमारा कर्तव्य है। ये तो सरकारी स्कूल है भाई, छोड़ो वहां तो कौन जाएगा, ये सरकारी अस्पताल है पता नहीं कौन जाएगा। जी नहीं, हम ही मिलकर के सरकारी है, वो हमारा है, हम इसको ताकत कैसे दें? अपना स्कूटर तो हम इतना बढ़िया दिन में 4 बार साफ करते हैं, 20 साल पुराना हो, कलर उखड़ गया हो, फिर भी बराबर घिस करके चमक चमक करके निकलते हैं। लेकिन सरकारी बस में बैठे और बगल में सीट खाली हो, बातों करने वाला हो न और नींद आती नहीं हो, तो क्या करते हैं, सीट पे उंगली डालते हैं। यहां सबने किया होगा, और अंदर से 2-3 इंच का जब तक गड्ढा न करे हमको चैन नहीं आता है। भारत माता की जय बोले और फिर बनारसी पान खा करके, ये कौन से भारत माता की जय है भाई? उसी मां को गंदा करें जिस मां का जयकारा करने के लिए हम संकट झेलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, ये देश मेरा है, ये देशवासी मेरे हैं। जिस स्पिरिट से आजादी का आंदोलन चला, उसी स्पिरिट से आजादी के 75 साल देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हम आगे बढ़ाएं और काशी काशी करके दिखाएं। साथियों, आज चुनाव की गहमा गहमी के बाद विजयोत्सव का माहौल अब धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, तब अपनों के बीच में आया हूं, ज्ञान नगरी में आया हूं, महान विरासत की धरती पर आया हूं, और उसमें से जो भाव जगा उस भाव को मैंने आपके सामने प्रकट किया है।
जब चुनाव का काम चल रहा था उसी समय इस वर्ष जिनको हमने पद्मश्री दिया था वो श्रद्धेय हीरालाल जी हमारे बीच नहीं रहे, जिन्होंने संगीत साधना में बहुत बड़ा योगदान किया। मैं आज जब उनके स्वर्गवास के बाद पहली बार आया हूं तो मैं आदरपूर्वक उनको श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिवारजनों से तो मैंने बातचीत की थी, लेकिन उन्होंने जो विरासत छोड़ी है उस विरासत के प्रति हम सबका गर्व बना रहे। मैं फिर एक बार आपके पुरुषार्थ के लिए, आपके परिश्रम के लिए, आपके समर्पण के लिए, जी जान से जो मेहनत आपने की है, आप सबको हाथ जोड़ करके नमन करते हुए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी काशी के मतदाताओं का धन्यवाद, पूरे उत्तर प्रदेश का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे, जिन्होंने यहाँ पर कई तरीके की बातों का जिक्र किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव अंगणित से नहीं केमिस्ट्री से जीती जाती है। काशी के लिए निश्चिंत थे इसलिए वो केदारनाथ चले गए थे। आपको बता दें कि केदारनाथ जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी गए थे उसको लेकर विपक्ष जो है लगातार सवाल खड़े कर रहे थे और यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है काशी में अनेक नरेंद्र मोदी ने जीत दिलाई है। यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि लद्दाख में भी बीजेपी जीत रही है और 125 रुपये का पेमेंट होगा लेकिन अब डिजिटल होगा और हम में कमियां हैं लेकिन इरादा नेक है और हम विरासत और विजन दोनों को साथ लेकर चलते हैं। ये तमाम तरह की बातें हैं जो पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किया है और यहां पर जनता का धन्यवाद भी किया है कि जिस तरीके से यहां पर जनता ने भारी मतों से पीएम नरेंद्र मोदी को दोबारा सत्ता में वापस लाया उसको देखते हुए यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सबको धन्यवाद किया है।